नहीं पहचाना। मैं मुसद्दी लाल सुलेख पेंशन लेने के लिए आया हूँ। बाद में आना, अब कुछ नहीं हो सकता। बाद में क्यों हूँ, अभी क्यों नहीं कुछ हो सकता है? अब देख नहीं रहे, हम श्रद्धांजलि दे रहे। जरा ये प्लीज वहां पे रख देना। किसे दे रहे हैं श्रद्धांजलि? सक्सेना जी को, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। अरे रे रे, ये कब हुआ? क्या करे, ऊपर से ऑर्डर आ गया उनका, वो चले गए। हाँ, ऊपर वाले के ऑर्डर को कौन कैंसिल कर सकता है? कभी हमारा भी आ जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो अभी जवान हैं, ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले हमारा आएगा। पर आपका ऑर्डर तो 10 साल पहले ही आया था ना। 10 साल पहले आ गया था? कहाँ, मुझे तो आज तक मिला नहीं। तो क्या बगैर ऑर्डर के ही आप रिटायर हो गए? ओहो, तो सक्सेना जी रिटायर हुए हैं? यही तो, आपको क्या लगा वो एक्सपायर हो गए? जरा ये भी रख दीजिए। थैंक यू शुक्ला जी। देखना गुरु, 300 से ऊपर बनाएंगे। सवाल ही नहीं उठता है। देख लेना जी। शुक्ला जी, इन्हें जरा बाहर सूखने के लिए रख दीजिए। आई अंकिल। मुझे नहीं भैया। अरे इन्हें नहीं, ये पापड़। अरे मेरा, मेरे को लगा, माफ करना अंकिल। जी जरूर। अच्छा सुनो, नीचे कुछ बिछा देना, फाइल वगैरह। देखता हूँ रिकॉर्ड रूम में कुछ हुई तो। हाँ जी मैडम, तो मेरी पेंशन कहाँ? ना 2 घंटे बाद 12 बजे। मैडम 12 बज गए। किसके? घड़ी पे 12 बज गए। तो मेरी पेंशन? ओफ, आप देख रहे ना, मेरे 2 ही हाथ है। आप प्लीज भाटिया साहब के पास जाइए ना। भाटिया जी। उषा जी। देखिए ना इनका क्या प्रॉब्लम है, आप प्लीज वहां जाइए। आइए जी। क्या है? ये मैं पेंशन लेने के लिए आया हूँ। आपका नाम? मुसद्दी लाल सुलेख। मुसद्दी लाल सुलेख। हाँ। स्कूल मास्टर। हाँ। महात्मा गांधी स्कूल। हाँ। लालगंज। हाँ। उत्तर प्रदेश। हाँ। भारत। हाँ भाई। हाँ। आपको पेंशन चाहिए जी? नहीं मिल सकती। क्या नहीं मिल सकती? क्यों? क्योंकि मरे हुए लोगों को पेंशन नहीं मिलती है और आप मर चुके हैं। देखिए कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपके सामने यहाँ जिंदा खड़ा हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं मरा हुआ हूँ। आपको कोई गलत फहमी हुई है, आपको मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही है आपको, आप जरा देखिए, मैं तो जिंदा हूँ। नहीं, आपने 5 महीने से पेंशन भी नहीं लिया है। देखिए 5 महीने से पेंशन मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैं बीमार था, मैं आ नहीं सका। अब मैं आ नहीं सका इसलिए आपने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया। अरे आप बीमार थे तो किसी और को भेज देते, बेटा बेटी है नहीं कोई। ओहो, तो धर्मपत्नी को भेज देते। 5 साल हो गए मरे हुए। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तो बहुत दिक्कत होती होगी खाने पीने की। हाँ होती तो है। तो क्या करते, क्या खाने का? कभी खुद बना लेता हूँ, कभी किसी होटल वोटल में खा लेता हूँ। खुद? क्या क्या बनाते हो? मैं दलिया बना लेता हूँ और खिचड़ी बना लेता हूँ। बस बस बस, होटल होटल में क्या खाते हो और कौन से होटल में खाते? कोई भी होटल जो मिल जाए मुझे। क्या यार, कोई भी होटल? अरे मैं बताता हूँ आपको, होटल होटल 60+, आप जैसे बुजुर्गों के लिए एकदम सस्ता सुंदर और टिकाऊ खाना। आपके पैसे भी बचेंगे। पैसे तो तब बचेंगे ना भाटिया साहब, जब आप पेंशन देंगे तो पेंशन दिलवा दीजिए। नहीं वो तो मिलना बहुत मुश्किल है, आप मर चुके हैं ना। किसी बात कर रहे हैं आप, मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। आप पुराने रिकॉर्ड मंगाइए, फाइल मंगाइए। आप एक मिनट। ओके ओके ओके, शुक्ला जी शुक्ला, मैंने कहा था ना 300 से ऊपर जाएगा, अब बोल बेटा। कमेंट्री सुन रहा है, इंडिया पाकिस्तान आ जाएगा। हाँ वो तो चलता रहता है, आप जरा बुलाइए। अच्छा शुक्ला जी। हाँ जी। अरे अरे, स्कोर का क्या हुआ? 304 सर। क्या बात कर रहे हो, किसने बना? सचिन 160 रन चले ला। मंगाइए मंगाइए, वो मंगाइए। एक काम कीजिए शुक्ला जी, जरा चाय और समोसा मंगाइए। अरे मैं चाय समोसे की नहीं कह रहा हूँ, फाइल फाइल। अरे फाइल हजम नहीं होती है, समोसा ठीक रहेगा। अरे भाटिया साहब, मैं अपनी उस फाइल की बात कर रहा हूँ जो पुराने रिकॉर्ड में से आप मंगवाने की बात कर रहे थे, मंगवाइए। अरे तो पहले ऐसा बोलना चाहिए ना आपको। शुक्ला जी, जी इनकी फाइल भी निकलवाइए, जाइए इनको बताइए नंबर। आइए अंकिल, आइए जाइए। अरे बोलते नहीं, फाइल यही है, ढूंढ लीजिए, हम अभी आते हैं। तो मैं कहाँ ढूंढूंगा भैया, ये कोई काम मेरा थोड़ा ही है। इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, इसमें भी नहीं है, नहीं है। आप कहाँ आइए। देखो भैया जरा ठीक से देख दो शुक्ला जी। शुक्ला का क्या मतलब है? हाँ जी, ठीक से का क्या मतलब है? मतलब भैया, अरे भैया का तेल बेचने, इतना महंगा पान बर्बाद करवा दिया आपने। आप ऐसा कीजिए कल ही आइए। बट अरे शुक्ला जी, पान तो मैं दिलवा दूंगा आपको। पान तो क्या होगा सर? तो वो भी दे दूंगा मैं आपको, आप फाइल तो ढूंढ दीजिए। नहीं नहीं, पहले पान फिर वो फिर फाइल।
ये लो। अरे इससे क्या होगा, इसको तो आप ही रखिए, देखिए इतनी फाइलें भाई। चलो ये 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 दो ले लो। लो नहीं नहीं, देखिए खड़ी ये बहुत कम है, और दीजिए सर। देखिए ऐसा मत करो बेटा, मैं तुम्हारे बाप बराबर हूँ। अरे तभी तो बोल रहे हो अंकल, थोड़ा ज्यादा दे दो ना, वो दो दस का नोट दे दो अंकल। ले अब ऐसा करो, आप यहाँ फाइल पे बैठो। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे फाइल लाने। अरे भैया बाहर कहाँ जा रहे हो? उषा जी के पापड़ सूख रहे हैं। पापड़ नहीं चाहिए शुक्ला जी, मेरी फाइल चाहिए। उषा जी के पापड़ आप ही के फाइल पर सूख रहे हैं एक्चुअली। क्या? अरे इस फाइल में से तो पापड़ की खुशबू आ रही है। वो जो मैडम वहां बैठती है ना, उन्होंने इस फाइल के ऊपर पापड़ बिछा के बाहर रख दिए थे सुखाने के लिए। अच्छा अच्छा, अब आपने सुन तो लिया जी, जरा पढ़ भी लीजिए। हाँ हाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ ली फाइल। सक्सेना साहब के साइन है, उन्होंने आपको मरा हुआ घोषित कर दिया है। मरा हुआ घोषित कर दिया जी? अरे तो मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए, आप पटेल साहब से मिलिए, वो कुछ करेंगे। ये क्या मजाक है? मैं वहां जाता हूँ, वो कहते यहाँ जाओ, यहाँ जाता हूँ, आप कहते अंदर जाओ। मैं यहाँ पे अपनी पेंशन लेने आया हूँ, कोई भीख मांगने थोड़ी आया हूँ। अब तो वहां जाके मांगिए। क्या? अब आप पटेल सर से मिली जाके। अरे पटेल है कौन, कहाँ है, क्यों है? अरे पटेल सक्सेना की जगह है, वहाँ ही हुआ है। क्यों वहाँ ही हुआ है? मुसंदीलाल सुलेख। हाँ स्कूल मास्टर। हाँ महात्मा गांधी स्कूल। हाँ हाँ लालगंज। हाँ हाँ उत्तर प्रदेश। हाँ इंडिया। हाँ हाँ ना ना क्या? अरे मैं हूँ पहचानो, मैं वो। अरे गौर से देखिए। देखो गौर से देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो दो बातें हो जाएगी, या तो आप मुझे पहचानेंगे या तो नहीं पहचानेंगे। पहचान लिया तो ठीक है, मगर नहीं पहचाना तो दो बातें होगी, या तो आपका काम होगा या तो नहीं होगा। काम हुआ तो अच्छा है, मगर नहीं हुआ तो दो बातें होगी, या तो आपको पेंशन मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। पेंशन मिली तो अच्छा है, मगर नहीं मिली तो दो बातें होगी, या तो आपको दोबारा नौकरी करनी पड़ेगी या तो फिर भूखा मरना पड़ेगा। दोबारा नौकरी की तो ठीक है, मगर भूखा मरना क्यों? भूखा मरना चाहते हैं आप मास्टर जी? पहचानिए ना मुझे। ओहो मैं पटेल, आप मास्टर जी, हम आपको बैटरी चढ़ा देते हैं। मास्टर जी आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके पांव एक मिनट मिला थोड़ा लेफ्ट। ओके ठीक है बेटा। जी बेटा जी। मास्टर जी बताइए क्या काम है? बेटा मैं यहाँ पेंशन लेने के लिए आया था, तो तुम्हारे ऑफिस के लोग ये कहते हैं कि मैं मर गया। मर गया? ऐसा कहते मर गए? और मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल जिंदा बैठा हूँ। इसमें क्या शक है क्या? मैं अभी चेक करता हूँ। अपना ही बच्चा निकला है। आप तो मर गए हैं। हाँ पर अभी तो तुमने कहा कि मैं जिंदा हूँ। अच्छा नहीं, मेरी गलती हो गई होगी मास्टर जी, प्लीज सॉरी। अभी मुर्गा मत बनाना मास्टर जी। वो क्या है ना, मैंने ज्यादा फ्यूनरल अटेंड नहीं किए, तो मरे हुए के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी अभी तुमने मुझे पहचाना है, मुसद्दीलाल सुलेख है, मास्टर गांधी स्कूल लालगंज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत। क्या तुम जिंदा हो ना? नहीं मास्टर जी, मतलब आप यहाँ जिंदा हैं मगर यहाँ पर जिंदा नहीं है, और जो यहाँ जिंदा नहीं होता ना उनको पेंशन नहीं मिलती। ये क्या मजाक? ये मजाक नहीं है मास्टर जी, सच। मास्टर जी मृत्यु तो जीवन का सत्य है, आपने पढ़ा था ना आपने? पढ़ा था मैंने, मुझे पेंशन दिलवा दो, मैं मरा नहीं हूँ, मैं भी जिंदा हूँ। नहीं मगर इसमें मेरी गलती नहीं है, ये फाइल ना सक्सेना साहब ने बंद की है और अब वो रिटायर हो गए। तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं, कर जाइए। अरे कौन कुछ कर सकता है? देखते हैं बड़े साहब शायद आपको हेल्प करे फिर से जिंदा होने में। मैंने भी कई किस्से सुने हैं कि लोग मरने के बाद जिंदा हो जाते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद कोई जिंदा नहीं होता, फिर आप कैसे हो गए? भाई मैं मरा ही नहीं हूँ इसलिए जिंदा हूँ। ये तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मुसद्दीलाल इज एक्सपायर्ड। भैया इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो लिखा है मुसद्दीलाल इज एक्सपायर्ड गलत लिखा है। मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ लिखा है मुसद्दीलाल इज एक्सपायर्ड तो आप जिंदा कैसे हो गए? तो इसमें गलती किसकी है, तो हमारी है क्या? 1 मिनट सर, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है। आयु मुसद्दी के आप शोर लाल है? मुसद्दी के शोर लाल? आई मीन आर यू श्योर कि आप मुसद्दी लाल हैं? हां बिल्कुल श्योर हूं कि मैं मुसद्दी लाल हूं। आर यू श्योर कि आप जिंदा हैं? 100%। आपके पास कोई सबूत है? आपके पास कोई सबूत है कि आप जिंदा हैं? पांडे
ये जिंदा है इस बात का सबूत मैं हूँ। ठीक है, मेरे पास भी सबूत है। पटेल, गवाही दो कि मैं जिंदा। सॉरी मास्टर जी, आप मर चुके हैं और मैं आपकी गवाही नहीं दे सकता। तो भाई कौन गवाही देगा? कोई ऐसा जो जिसे आप जानते हो, जो यहाँ के कह सके कि आप जिंदा हैं। अब लालगंज छोड़े तो 10 साल हो गए हैं। कोई आपका पड़ोसी है जो आपके जिंदा रहने की गवाही दे सके? पड़ोसी? हाँ, अच्छा, तो पड़ोसी की गवाही से आप मान जाएंगे कि मैं जिंदा हूँ? बिल्कुल मान जाएंगे। ये हरिनारायण चौबे हैं, ये आपको बताएंगे कि मैं जिंदा हूँ। आपका नाम? जी हरिनारायण चौबे। क्या करते हैं? जी मिठाई की दुकान है। कहाँ? जी गोल गली में। अरे गोल गली के तो गुलाब जामुन बड़े फेमस हैं। मैं एक दो बार। एक मिनट मिस्टर भाटिया, प्लीज। हाँ, आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, ये मुसद्दीलाल सुलेख हैं। आपको किसने बताया? इन्होंने। आप कैसे जानते हैं ना? जी हमारी गोल गली में रहते हैं। आपको किसने बताया? जी इन्होंने। कब से रह रहे हैं? जी 10 साल से। आपको किसने बताया? जी इन्होंने। पहले कहाँ रहते थे? जी ये लालगंज में स्कूल मास्टर थे। किसने बताया? जी इन्होंने। ये जिंदा है कि मर गए? जिंदा है जी। आपको किसने बताया? जी इन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने गवाह को बहला फुसला कर लाए हैं। देखिए देखिए देखिए, मैं किसी को बहला फुसला कर नहीं लाया। हरिनारायण जी, जी आप इनको सच सच बता दीजिए कि मैं जिंदा हूँ। नहीं मास्टर जी, देखिए मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मेरे दुकान पर भी कोई नहीं है, मैं चलता हूँ जी। अरे हरिनारायण जी, हरिनारायण जी सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। चले गए मास्टर जी। वो तो देखिए, मैं किसी को यहाँ पे बहला फुसला कर नहीं लाया। वो आदमी सच सच जानता है कि मैं जिंदा हूँ। नहीं नहीं, वो नहीं जानता है। उसे आपने बताया कि आप मुसद्दीलाल हैं और आप जिंदा हैं। नहीं, लेकिन वो आदमी मुझे जानता है। यही तो गड़बड़ है ना मास्टर जी। आप किसी ऐसे आदमी को लाइए जो आपको नहीं जानता हो फिर भी जानता हो। नहीं नहीं नहीं, इस आदमी की गवाही तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अरे नहीं हो सकती बस। अरे ये आदमी गवाही दे ही नहीं सकता कि आप जिंदा हैं। मगर क्यों? अरे क्योंकि इन्हें खुद मरे हुए 8 महीने हो गए। क्या मैं तो जिंदा हूँ? बोलो सत्यलाल जी, मैं जिंदा हूँ कि नहीं? अरे मैं क्या बोलूँ कृपा शंकर जी, पहले अपने आप को तो जिंदा कर लूँ। एक मिनट मास्टर जी, डोंट वरी। आप एक काम कीजिए, आप जिस दिन एक्सपायर हुए थे ना, मतलब फाइल में, उसके अगले दिन का बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और साथ में एफिडेविट जोड़ दीजिए आपके जिंदा होने का। बस काम हो जाएगा, हम पेपर्स हेड ऑफिस भेज देंगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है पटेल, ये ऐसे बोगस कागज कैसे बनवा सकता हूँ? अरे बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ता है, मगर फिर कुछ दिनों में आप जिंदा हो जाएंगे मास्टर जी, डोंट वरी। मेरा क्या होगा? आप कल आइए। भैया मैं जिंदा हूँ, मुझे छू कर देखो, मैं जिंदा हूँ ना। देखो मेरे को जिंदा हूँ मैं। पेंशन दिला दो बाबा, मैं जिंदा हूँ। मेरे को पेंशन चाहिए, पेंशन के बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता। पेंशन दिला दो भाई साहब। हेड ऑफिस से मेरा लेटर आया? नहीं। ये तो कब आएगा? कल। देखिए भाई साहब, मैं इतने दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ और आप रोज कह देते हैं कल आएगा कल आएगा, ये कल कब आएगा? कल आएगा। आप एक शरीफ आदमी की शराफत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चुप हैं आप, जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मैं बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू। देखिए मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं जिंदा हूँ। आज सुबह नाश्ता खाया था? हाँ खाया था। तो फिर मेरा दिमाग क्यों खा रहे हैं आप? अरे मैं तुम्हारा दिमाग खा रहा हूँ? अरे तुम्हारे दिमाग में है क्या जो मैं खा जाऊंगा? बेहद बदतमीज बेकार कसम के आदमी है तुम। एक मिनट मास्टर जी, आप हैव सम डिसिप्लिन, चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं चिल्ला रहा हूँ क्या? चिल्ला रहा? अरे अजीब तमाशा बना रखा, कल आओ परसों। अरे अब तो मुझे खुद पे शक होने लगा है कि मैं जिंदा हूँ भी या नहीं। मास्टर जी आप इमोशनल मत होइए, देखिए आपके लेटर आते ही आप फिर से जिंदा हो जाएंगे। कब आएगा वो लेटर और कब होऊंगा मैं जिंदा? लेटर देखा मेरा तो नहीं है? अब देखता हूँ मास्टर जी, हेड ऑफिस का ही है, चेक कर लेते हैं ना। डोंट गेट एक्साइटेड, ये तो आप ही का है। बताओ क्या लिखा है? सॉरी लिखा है कि आपका केस तो फ्रॉड है। अच्छा हाँ मास्टर जी, एक मिनट, आपने बर्थ सर्टिफिकेट किस डेट का बनवाया था? अरे पट्टू बेटे, उसी डेट का बनवाया था जिस डेट का तुमने कहा था, मतलब जिस दिन तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ घोषित किया था ना, उसके एक दिन बाद का। यानी कि 6 महीने पहले? हाँ 6 महीने पहले का। हाँ मगर फिर बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी उम्र तो 6 महीने हो गई, और 6 महीने के बच्चे को पेंशन मिल सकती है? आप बताइए। नहीं मिल सकती ना, सही लिखा है ना ये लेटर में? फाड़ने की आई है लेटर। अरे तुम देखो मेरी तरफ, मित्र देखो, आ देखिए भाई साहब मेरी तरफ। क्या मैं तुम्हें छोटा सा 6 महीने का बच्चा दिखा देता हूँ? नहीं मास्टर जी, दिखने में तो आप थोड़े बड़े दिखते हैं, पर परवर क्या भाई, क्या ये तमाशा क्या? कभी आप सब लोग यहाँ पर मुझे मरा हुआ घोषित कर देते हैं, कभी आप कहते हैं कि मैं यहाँ इतना सा 6 महीने का बच्चा हूँ? अरे है क्या, है क्या बताइए? अरे जवाब क्यों नहीं दे रहे?
जवाब दो ना तुम पट्टू, कान मत पकड़ो, जवाब दो मेरी बात का। हाँ जवाब दीजिए, ये पापड़ बेलने वाली मैडम ये है क्या? अरे बताइए क्या है, भाग कहाँ नहीं है, बताइए क्या है? मुँह में पान और बंदा गूंगा, जवाब दे, जवाब नहीं देता। आप बताइए, आप बताइए मैनेजर साहब, क्या मैं आपको 6 महीने का बच्चा दिखाई देता हूँ? क्या 6 महीने का बच्चा छाता खोल सकता है? लगता है दिमाग पे असर हो गया है। ये देखिए, मैं खोल सकता हूँ, मैं खोल सकता हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं 6 महीने का बच्चा नहीं हूँ। देखिए साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए कि मैं जिंदा हूँ। बस आप मेरी मदद कर सकते हैं मैनेजर साहब, आप किसी तरह से अपने वो जो रिकॉर्ड हैं उनको ठीक करेंगे। देखिए ये सरकारी ऑफिस है, यहाँ एक बार जो रिकॉर्ड बन गया वो बदल नहीं सकता है, आप मर चुके हैं। हाँ मास्टर जी, आप प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि आप मर चुके हैं। अरे कैसे एक्सेप्ट करूँ, यहाँ मैं तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूँ। अरे हो सकता है दाह संस्कार रह गया हो गलती से। अब करवाओगे क्या? तुम मुझे मरवाना चाहते हो? बजाय इसके कि तुम सब लोग मुझे जिंदा रहने में मदद करो, तुम मुझे मरवाना चाहते हो? यही तो, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अब देखिए कोई जिंदा भी नहीं है कि आप सबूत हैं। मेरा मतलब है कि कोई सबूत भी नहीं है कि आप जिंदा हैं ना। अरे मैं तुम्हारे सामने जीता जाता खड़ा हूँ, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कोई शख्स आपकी जान पहचान का न हो और आपको जानता हो? नहीं है, नहीं है। मास्टर जी आप एक काम कीजिए, पिछले 6 महीने में आपके नाम की कोई पर्ची फटी थी? पर्ची? हाँ मतलब जमीन वमीन खरीदी थी। अरे कोई ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया हो? नहीं करवाया। मकान का कुछ किराया वगैरह भरा था? नहीं भरा। अच्छा कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे? नहीं नहीं मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ, क्योंकि मैं दवा दारू वो गांव के हकीम से करता हूँ। हवाई यात्रा की है? नहीं की। जेल यात्रा? क्या? नहीं मास्टर जी देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए कह रहा था कि आपके नाम की कोई पर्ची फटी हो ना, चाहे वो पुलिस का जुर्माना ही क्यों ना हो, तो भी आपके जिंदे होने का सबूत हो जाएगा ना। जेल भेजना है। इधर आई एम सॉरी मास्टर जी, मास्टर जी देखिए गलती हो गई, अभी नहीं होगी, देखिए इस बार माफ कर दीजिए। माफ किया तो ठीक है, नहीं किया ना तो दो बातें होंगी, या तो आप मुझे मारेंगे या तो फिर मुर्गा बनाएंगे। मारा तो ठीक है मगर मुर्गा बनाया? मारा बेंच पे वाला, ये तो टेबल है। अरे टेबल पे वाला खड़ा हो जा, एक नीचे रख दे इसको। देखिए देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने पटेल को मारा कैसे? ऐसे? ये अंकल आपकी हिम्मत कैसे ऐसा करने की हुई? ऐसे करने की हुई? कहाँ है वो मैनेजर? मैनेजर कहाँ है? पांडे साहब यहाँ। कहाँ है मैनेजर का बच्चा? पुलिस को बुलाएगा, अब बुला पुलिस को। तो आपने इनको मारा? जी हाँ मैंने इन सबको एक एक थप्पड़ मारा। देखिए आप एक बुजुर्ग आदमी हैं और आपको ये कतई शोभा नहीं देता। जी इंस्पेक्टर साहब मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया है और आगे भी ऐसा नहीं करेंगे। जी पहली बार है और आपकी उम्र का लिहाज करते हुए मैं आपको अरेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 100 रुपये का जुर्माना तो आपको भरना ही पड़ेगा। जी ये लीजिए, ये लीजिए रिसीट, आइंदा ध्यान रखिएगा। जी चलिए। ये रसीद नहीं है, ये मेरे जिंदा होने का सबूत है। क्यों मैनेजर साहब अब तो मिलेगी ना मुझे पेंशन? मिलेगी, जरूर मिलेगी। शुक्ला जी जी फाइल लाओ। रे फाइल चेक बनाओ। देखिए चाचा आप मर चुके हैं, आपको पेंशन तो मिलेगा नहीं, जाइए अपने जिंदा होने का सबूत लेके आइए। बुलाओ पुलिस को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।